हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 4 सेम का एक पेपर मॉस्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि फुल्ली न्यूमेरिकल पेपर है, जिसमें हम मॉस्ट यानी कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, उससे भी पहले हमको क्या जानना है, मैकेनिक्स कहते किसको है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस हुज डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स और अप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द एनी बॉडी। यानी कि मेरा मैकेनिक्स जो है ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम डील करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स और अप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन दी एनी बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी पर। मैकेनिक्स मेरा दो टाइप का होता है, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा सोम, जिसको हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे डिफॉर्मल बॉडी सोम में पढ़ेंगे 4 सेम में। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसमें साइज और शेप नहीं चेंज होता है। डिफॉर्मल बॉडी ऐसा बॉडी है जिसमें साइज और शेप दोनों चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में देखते हैं, रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी ए बॉडी हुज शेप एंड साइज विल नॉट चेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ लोड। यानी कि कितना भी लोड अप्लाई करने के बाद किसी बॉडी का साइज और शेप चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस करके चला गया। एनालिसिस में क्या है, आइडियल सॉलिड, वर्चुअल सॉलिड, इमेजनरी सॉलिड। वी एज्यूम सम बॉडी टू बी रिजिड, यानी कि कोई भी बॉडी फुल्ली तरह से मेरा रिजिड नहीं है, एक तरह से एनालिसिस करके चला गया है, मेरा बॉडी जो है रिजिड बॉडी है। अब हम पढ़ते हैं डिफॉर्मल बॉडी। डिफॉर्मल बॉडी क्या है, डिफॉर्मल बॉडी ए बॉडी हुज शेप एंड साइज विल चेंज आफ्टर एनी वैल्यू ऑफ लोड इज कॉल्ड डिफॉर्मल बॉडी। डिफॉर्मल बॉडी मेरा ऐसा बॉडी है जिस पे लोड अप्लाई करने के बाद उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाता है, उसे हम डिफॉर्मल बॉडी कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट एंड बॉडीज आर डिफॉर्मल बॉडी। तो इससे हमको पता चलता है सोम का डिफिनेशन। सोम मेरा क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ लोड ऑन दी डिफॉर्मेशन बॉडी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिफॉर्मेशन टाइप में मेरा आ जाएगा एक इलोंगेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा बेंडिंग, चौथा ट्विस्टिंग। तो इलोंगेशन में मेरा लेंथ इंक्रीज करेगा, कंप्रेशन में मेरा लेंथ डिक्रीज करेगा, और बेंडिंग में क्या हो जाएगा, कोई भी बॉडी मेरा बेंड हो जाएगा, और ट्विस्टिंग में क्या हो जाएगा, कोई भी बॉडी मेरा रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, इफ़ ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन इट्स रिमूवल फोर्स और लोड इन दी रिमूव्ड। यानी कि कोई भी बॉडी है जब उस पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वह बॉडी अपना साइज एंड शेप चेंज करता है, और जैसे ही उसका फोर्स हटा दिया जाता है यानी रिमूव कर दिया जाता है तो वह फिर अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब प्लास्टिक बॉडी, व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं। इफ़ ए बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन देन सच ए बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। यानी कि प्लास्टिक बॉडी मेरा एक ऐसा बॉडी है जिस पे फोर्स अप्लाइड करने के बाद वो अपना शेप चेंज तो कर लेता है, लेकिन उस रिमूव करने के बाद, फोर्स रिमूव करने के बाद वह अपना उसी स्थिति में रहता है, वह अपना साइज शेप चेंज नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम व्हिच ऑफ द इलास्टिक बॉडी विल रिकवर और रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी कि इलास्टिक लिमिट मेरा ऐसा लिमिट है जो मेरा शेप फोर्स हटाने के बाद वह अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, तो उस मतलब उतना दूर कहिए या फिर उतना स्टेट तक का लिमिट को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, सॉरी इलास्टिक लिमिट कहते हैं।
अब मेरा आ जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस मेरा फर्स्ट यूनिट क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस किसको कहते हैं? स्ट्रेस इज द डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ द रेसिस्टिंग ऑफर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस फिगर से समझते हैं, ये मेरा कोई बॉडी है, इससे मेरा कुछ फोर्स और इधर से भी, इसको हम एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम काटते हैं तो मेरा एक बॉडी इधर आता है और दूसरा बॉडी इधर आता है। इस पर तो मेरा पी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इधर भी मेरा पी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये तो आप जान रहे हैं। और ये मेरा रेसिस्टिंग फोर्स, यानी यही जो रेसिस्टिंग फोर्स है, यही रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं? आप लोग समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्रेस का मैथमेटिकल फॉर्म। स्ट्रेस, स्ट्रेस मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं इज द रेटियो ऑफ लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन विच एक्टिंग। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय द सिग्मा। स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया रेसिस्टिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टिंग फोर्स को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेसिस्टिंग फोर्स के नहीं, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं? हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं,